देश और दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा नहीं रहे, उन्हें दुनिया भर में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 26 जनवरी 2000 रतन टाटा को तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 2008 को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार से भी 2008 में सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया। रतन टाटा ने 2007 में टाटा परिवार की ओर से परोपकार का कार्नेगी पदक प्राप्त किया। रतन टाटा मित्सुबिशी निगम, अमेरिकन इंटरनेशनल समूह, जेपी मॉर्गन चेन और बूज एलन हैमिल्टन के अंतरराष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे। रेंड निगम यानी रेंड कॉर्पोरेशन और कॉर्नेल विश्वविद्यालय, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय दैट इज कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के न्यायसी मंडल के भी सदस्य थे। वे दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के अंतरराष्ट्रीय निवेश परिषद के बोर्ड सदस्य थे और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एशिया पैसिफिक सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। रतन टाटा एशिया पैसिफिक पॉलिसी के रेंट केंद्र के सलाहकार बोर्ड, पूर्व पश्चिम केंद्र के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल रहे। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भारत एड्स इनिशिएटिव कार्यक्रम बोर्ड में भी सेवारत थे। फरवरी 2004 में रतन टाटा को चीन के जोंजियांग प्रांत में हांगजो शहर में मानद आर्थिक सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली थी और नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया था। मई 2008 में टाटा को टाइम पत्रिका की 2008 की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।